नाथनगर नपटोलिया एनएच 80 पर जाम में फंसे एसडीओ आशीष नारायण बाढ़ पीड़ितों पर उतारा गुस्सा। हवा में चली कई चक्र गोलियां, एसडीओ के सुरक्षा कर्मियों ने बाढ़ पीड़ितों पर चटकाई लाठियां, दो गंभीर रूप से घायल। आक्रोशित भीड़ ने लिया उग्र रूप, गाड़ी से उतरकर भागे एसडीओ, सीओ के गाड़ी में छुपकर बचाई जान। एनएच 80 पर जमकर हुई पत्थरबाजी, एसडीओ आशीष नारायण की गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। लड़के एक बड़ी सी सिमनी लकड़ी की डाल के ट्रक से कुछ वसूली कर रहे थे, तो मैंने अपने बॉडीगार्ड्स को भेजा कि जाकर देखे वहाँ पे क्या समस्या है, क्यों जाम किया हुआ है सड़क को। तो इन्होंने समझा कर जब उस सिल्ली को हटाना चाहा तो उन लड़कों ने मेरे दोनों बॉडीगार्ड्स को लाठी से मारा। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे सिटी डीएसपी राजवंश सिंह, स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर प्रदर्शनकारियों को कराया शांत। नाथनगर थाना क्षेत्र रामचंद्रपुर नपटोलिया के समीप सुल्तानगंज जाने के क्रम में भागलपुर एसडीओ आशीष नारायण जाम में फंस गए। एसडीओ साहब को जाम से हो रही परेशानी साहब के सुरक्षा कर्मियों से देखा नहीं गया। फिर क्या, सुरक्षा कर्मी गाड़ी से निकले और सड़क किनारे रह रहे बाढ़ पीड़ित घुट्टर यादव पर गुस्सा उतार दिया। अपने पिता को पिटता देख दिलखुश यादव पिता को बचाने दौड़ा, लेकिन एसडीओ साहब के गार्ड तो काफी चौकन्ने निकले। पिता को छोड़ दिलखुश यादव की जमकर पिटाई कर दी और कहा, साहब जाम से परेशान हैं, तुम लोग रोड पर बसेरा बनाए हो। अब साहब के सुरक्षा गार्ड को कौन समझाए कि यह रोड पर रहने वाले वो बेघर हैं जिसको कुदरत ने कई दिनों से प्रताड़ित कर रखा है। खैर, मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। साहब के गार्ड की हनक तो देखिए, हवा में कई चक्र गोलियां भी चलाई जिससे सड़क किनारे रह रहे बाढ़ पीड़ित उग्र हो गए और एसडीओ साहब की गार्ड पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद एसडीओ साहब जान बचाकर सीओ साहब की गाड़ी में छुप गए। घटना में एसडीओ साहब की गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस के साथ सिटी डीएसपी राजवंश सिंह मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझा कर शांत कराया।